हम लोग के पास जो नया टॉपिक है या नया चैप्टर कह दीजिए, तो वो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स है। देखिए, इससे पहले मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा था, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में आप सबको ये पता है कि जितना भी फ्लूइड था वो रुका हुआ था, मूव नहीं कर रहा था। लेकिन यहां ये वर्ड है काइनेमेटिक्स, तो आपको मैं बता दूं, यहां पर फ्लूइड मूव भी करेगा, लेकिन हम लोग मूव करने के दौरान ये नहीं देखेंगे कि मूव करने का रीजन क्या है, कारण क्या है, ये नहीं जानेंगे। तो जब रीजन देख लेते हैं, मतलब फोर्स की एनालिसिस करते हैं, तब हम लोग डायनेमिक्स में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हम लोग इसका जो कॉज होगा उसकी स्टडी नहीं करते, ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल उसके मोशन की स्टडी की जाएगी, तो वो कहलाता हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड के मोशन को स्टडी करना विदाउट एनी कॉज, बिना कारण जाने हुए, तो उसको बोला जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, है ना? तो यहां पर ध्यान रखना, हम लोगों को फ्लूइड के मोशन को समझना है बिना उसका कारण जाने हुए, तब वो कहलाता हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। चलिए फिर देखते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स की जो सबसे पहली हेडिंग आएगी, वो आएगी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। आपका जो फ्लूइड होता है वो कितने तरह का फ्लो रखता है, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो लगभग इतने प्रकार के होते हैं। हम लोगों को इतने प्रकार के टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे फ्लो होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जैसे कि इसमें आपको बता दे, वोर्टेक्स फ्लो नहीं है, है ना? वोर्टेक्स फ्लो दो प्रकार के होते हैं, टोरेंटा फ्लो नहीं है, ट्रांट्यूल फ्लो नहीं है, और भी बहुत सारे फ्लो हैं जिसमें नहीं है। तो फिलहाल पहले इसकी ये बेसिक फ्लो है जो जनरली आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं कौन कौन से फ्लो होते हैं आपका। सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, दूसरा होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये एक साथ इसलिए लिखे रहे हैं कि इसका जस्ट उल्टा होता है ये फ्लो, इसलिए ये सारे एक साथ लिखे रहे। अगला नंबर है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, अगला नंबर है कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, अगला नंबर है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, अगला है 1D, 2D, 3D फ्लो। तो 1D, 2D, 3D फ्लो, तो मुझे इतने तरह के फ्लो को समझना है, है ना? तो बारी बारी करके हम लोग एक एक प्रकार के फ्लो को समझेंगे और उनसे ये कोशिश करेंगे जानने की कि इन सारे फ्लो से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें और वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर का फ्लो। तो पहला नंबर का फ्लो हमने बताया कि पहले नंबर का फ्लो हो रहा है जिसको बोला जाता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, हिंदी में मत जाइएगा, हिंदी हिस्ट्री इतनी खराब है कि आप हिंदी याद नहीं कर सकते। कई बार तो एग्जामों में ऐसे लिखे हुए मिल जाएगा स्टडी, ठीक है? तो आप लोग को ये वर्ड इंग्लिश में ही जानना है आपका, क्योंकि आज जितने भी पेपर होते हैं आजकल ऑनलाइन में, वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो पेपर के दौरान, ये बात सबको पता होगी, है ना? तो मैंने बताया कि आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो है। तो चलिए फिर आप समझते हैं जरा स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या है। मुझे कुछ नहीं पता, ये समझिए कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे कि स्टडी और अनस्टडी क्या है, बिल्कुल एकदम पहले कोई डेफिनेशन नहीं देंगे आपको, शुरुआत में ही पहले चीजें क्लियर कराएंगे उसके बाद डेफिनेशन देंगे। तो स्टडी और अनस्टडी फ्लो को मैं समझने के लिए क्या करता हूं, अपनी तरफ से एक पाइपलाइन बना लेते हैं। तो समझ लीजिए मेरी तरफ से कि ये आपकी एक पाइपलाइन है, तो ये मेरी पाइपलाइन हो रही, कोई भी पाइपलाइन कह सकते हो, और इस पाइपलाइन की कोई ना कोई एक्सेस भी हो रही, तो पाइपलाइन की मैंने एक्सेस बना दिया। सर ये पाइपलाइन की एक्सेस हो रही, ठीक, पाइपलाइन की एक्सेस हो रही, ध्यान देते रहे ना भाई। और ये पाइपलाइन में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो फ्लो होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है, तो फ्लो भी मैंने कह दिया कि जो फ्लो की डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की ओर है, तो मैंने कह दिया कि फ्लो की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर है, क्लियर है? अरे बात सुनिए, हालांकि मैंने ये जो पाइप दिखाया है ये एक समान डायमीटर दिखाया है, तो मैं एक काम करता हूं कि इस पाइप का एक सेक्शन ले लेता हूं। तो मान लीजिए ये पाइप का कोई सेक्शन है, तो इस सेक्शन को मैं अपनी तरफ से इन जनरल एक्स एक्स सेक्शन कह देता हूं, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन है। तो एक बात बताइए, अगर फ्लो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, यदि फ्लो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, तो बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल जो पहले यहां थे वो आगे बढ़ते बढ़ते सेक्शन तक पहुंचेंगे। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि मेरे पास ये चार तरह के फ्लूइड पार्टिकल है, 1, 2, 3, 4, ये मतलब ये चार तरह के फ्लूइड पार्टिकल है, इसमें से एक फ्लूइड पार्टिकल सेक्शन तक पहुंच चुका है। तो मान लीजिए ये पहला फ्लूइड पार्टिकल हो गया 1, ये दूसरा हो गया 2, और ये तीसरा हो गया 3, और ये हो गया चौथा 4, ये चार फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है? आगे बात सुनिएगा,
अब मैं बताने जा रहा हूं स्टडी फ्लो क्या कहते हैं। स्टडी फ्लो का मतलब बस इतना सा होता है कि जैसे कि ये कोई फ्लूड बह रहा है और आपने कोई सेक्शन ले लिया और इस सेक्शन पे एक ऑब्जर्वर को बैठा दिया, ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया, ये ऐसा ऑब्जर्वर हो गया, बस ये चीज देखेगा कि यहां जो फ्लूड पार्टिकल आगे की ओर बढ़ रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है। लेकिन ये ऑब्जर्वर केवल और केवल इसी सेक्शन पे देखेगा, ध्यान रखना ये ऑब्जर्वर केवल और केवल इसी सेक्शन पे एब्जॉर्ब करेगा, किसी और सेक्शन पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो सुनना बड़े ध्यान से। पहला फ्लूड पार्टिकल जब इस सेक्शन पे पहुंचा तो उसने वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकेंड। जब दूसरा फ्लूड पार्टिकल चलते चलते फिर इस सेक्शन पे पहुंचा, उसने भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी। उसके बाद जब तीसरा फ्लूड पार्टिकल चलते चलते यहां फिर पहुंचा, उसने भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी। और जब इसी तरह से चौथा फ्लूड पार्टिकल चलते चलते इस पॉइंट इस सेक्शन तक पहुंचा तो उसने भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की ही दी। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये चारों फ्लूड पार्टिकल चलते चलते सेक्शन तक पहुंचे तो इनकी जो वेलोसिटी v1 v2 v3 ये निकल के आई, v4 निकल के आई, ये सारी वेलोसिटी इस सेक्शन पे बराबर थी। तो जब भी कभी कोई फ्लूड पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन करेगा कि एक ही सेक्शन पे, ध्यान दीजिएगा, एक ही सेक्शन पे अलग अलग फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है कि स्टडी फ्लो है। तो कह सकते हो कि फॉर स्टडी फ्लो, कंडीशन मेरी निकल के आ रही, फॉर स्टडी फ्लो एट गिवन सेक्शन, गिवन सेक्शन का मतलब यह हुआ कि एक ही सेक्शन में एट गिवन सेक्शन v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू v4, तो ये कंडीशन मेरे स्टडी फ्लो की है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने वेलोसिटी देखी, ये सेक्शन तो एक ही है, ध्यान दीजिए, सेक्शन एक ही है लेकिन अलग अलग समय में देखा ना। आप ये बात बताओ, इस सेक्शन से इस पॉइंट से 80 फ्लूड पार्टिकल निकल रहा होगा ना, 2 सेकेंड बीता दूसरा निकला, 2 सेकेंड और बीता तीसरा निकला, 3 सेकेंड या 2 सेकेंड और बीता चौथा निकला। तो आपने ये जो सेक्शन लिया वो तो सेम है, गिवन सेक्शन, परंतु जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अलग अलग समय में एक ही सेक्शन से निकलने वाले सभी फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाए तो ऐसा फ्लो स्टडी फ्लो कहलाता है। और अगर दूसरी मैं कंडीशन की बात करूं फॉर अनस्टडी फ्लो, तो अनस्टडी फ्लो का मतलब बस इतना सा होता है, अनस्टडी फ्लो, ठीक है, और यह भी देखा जाएगा एट गिवन सेक्शन, ठीक। तो अनस्टडी फ्लो के लिए क्या शर्त हो रही, अनस्टडी फ्लो के लिए यही शर्त हो रही कि किसी दिए हुए सेक्शन में अलग अलग समय से निकलने वाले सभी फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी v1, v2, v3 और v4 वो बराबर ना हो। तो जब बराबर ना हो रही तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है अनस्टडी फ्लो। और ये चीज भी आपको देखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया मैं जो WRT लिख रहा हूं ना, WRT इसका पूरा नाम होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि स्टडी और अनस्टडी क्या होता है। स्टडी का सीधा सा मतलब होता है कि एक ही सेक्शन पे रहिए लेकिन अलग अलग समय में वेलोसिटी चेक करते जाइए, और वेलोसिटी सेम हो तो स्टडी, और वेलोसिटी सेम ना हो तो हमारा कह सकते हो कि अनस्टडी फ्लो होता है। क्लियर है बात को? चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब इसी बात को मैंने साइड में कहीं लिख के भी दिखाया है, उसको भी सुनिए समझिए, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे, है? तो चलिए फिर देखिए, इसी बात को मैंने डेफिनेशन में लिख भी दिया है। वैसे मैंने जो पहले डेफिनेशन बोली है, आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। डेफिनेशन देखिए क्या है, डेफिनेशन लिखिए फ्लूड वेलोसिटी विल बी सेम, पहले सेम होनी चाहिए, यह इंपॉर्टेंट बात है, सेम फ्लूड वेलोसिटी विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट गिवन सेक्शन इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। यानी एक गिवन सेक्शन में, और इस वाले केस में गिवन सेक्शन कौन सा था, ये एक्सेस, एट गिवन सेक्शन फ्लूड वेलोसिटी विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कह सकते हो ऐसे फ्लो को हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी फ्लो कहते हैं। अब यहां पर अच्छा, इस बात को नीचे भी वही सेम चीज लिखी हुई है कि फ्लूड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, सेम नहीं होनी चाहिए, विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम
एट गिवन सेक्शन इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो। यानी सेम होगी तो स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम नहीं होगी तो अनस्टडी। लेकिन अब सवाल यह है कि सर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, उस बात को भी समझिए। तो मैंने अभी अभी बताया कि वेलोसिटी सेम हो या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो, एक ही बात है। और टिस्टे सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेक्शन रहना चाहिए, सेक्शन या स्पेस, स्पेस विल बी सेम। बोली भाई गलत तो नहीं था, स्पेस विल बी सेम। और स्पेस नहीं कह सकते आप लोग, स्पेस का मतलब वही जगह ही होती है। या स्पेस नहीं कह सकते तो आप ऐसा कह सकते सेक्शन विल बी सेम, कि सेक्शन मेरा सेम रहना चाहिए। मैं पहले आपको बता रहा हूं, फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में आएंगे इसमें, है ना। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें यह कहा जा रहा है कि वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ऐसा बोला जा सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। और टिस्टे सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आगे आप ऐसा लिख सकते हैं सेक्शन विल बी सेम, मतलब दोनों ही केस के लिए सेक्शन को तो सेम रहना पड़ेगा, सेक्शन एक ही होगा। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो स्टडी, अलग अलग टाइम में। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो अनस्टडी, क्लियर है। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, एक बार बताइए। जब कांस्टेंट का अवकलन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जीरो आना चाहिए ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन यानी डेवर वी अपॉन डेवर टी इक्वल टू जीरो। परंतु ऐसा करने के दौरान, ऐसा करने के दौरान हमारा जो सेक्शन रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, इसलिए सफिक्स में लिख दिया जाएगा एस इक्वल टू सी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो सफिक्स में लिख दिया गया है वो एस इक्वल टू सी इसीलिए लिखा गया है कि सेक्शन आपका सेम रहना चाहिए। क्लियर कीजिए बात को, है ना। चलिए इसी बात को हम यहां भी लिखना चाहेंगे। तो यहां वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो कॉन्स्टेंट नहीं है तो क्या उसका डिफरेंशिएशन, कॉन्स्टेंट नहीं है तो क्या उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा क्या, कौरे नहीं। तो यहां आप ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सर वो जीरो नहीं होगा, लेकिन जब आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा टाइम के सापेक्ष तो वहां जो सेक्शन रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। इसलिए देखिए दोनों के सफिक्स में मैंने एस इक्वल टू सी लिखा, स्पेस या सेक्शन एट ही रहे लेकिन डिफरेंशिएशन वी टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाए तो स्टडी जीरो। भाई कॉन्स्टेंट होगा तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा वेलोसिटी का, कॉन्स्टेंट नहीं होगा तभी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। बोलिए भाई इतनी बात सबको समझ में आ रही। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के लिए, ठीक है। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर सर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो मैं आपसे अगर ये पूछता हूं, साइड में पहले पूछ लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि मैं साइड में पूछ लेता हूं एक बात आपसे फिर वो बात समझ में आएगी। जैसे कि मैं कह दूं कि कहीं पर वेलोसिटी लिखा हुआ है 2t माइनस 3h स्क्वायर, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कराओ, डिफरेंशिएशन पार्शियल सबको आना चाहिए भाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन का बस इतना सा मतलब होता है कि जिसके सापेक्ष आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कराने वाले हो तो उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट। तो बताइए अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा तो 2t तो छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए तो सर ये तो जीरो नहीं है भाई, बराबर 2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर जीरो के बराबर नहीं है। तो जब जीरो के बराबर नहीं है तो ये जो फ्लो हो रहा है ये मेरा अनस्टडी फ्लो कहलाएगा। कैसा फ्लो कहलाएगा, अनस्टडी। मतलब वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, तभी तो अवकलन जीरो नहीं आया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कभी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगी तो अवकलन जीरो नहीं आएगा। और जब भी कभी वेलोसिटी, जैसे कि वेलोसिटी केवल ये लिखी होती, अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कराया जाता तब तो कंफर्म जीरो आना ही आना है, क्योंकि यहां कहीं टाइम नहीं है, टी नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कभी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान दीजिए ना, नहीं करेगी, तब वो हमारा होगा स्टडी फ्लो। और वेलोसिटी यदि टाइम पर डिपेंड करेगी, देखिए, तो हमारा अनस्टडी फ्लो। इस बात को मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में फिर से वहां लिखना जा रहा हूं। जैसे कि डिफरेंशिएशन जीरो रखना है तो इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी होगी वो टाइम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए,
टाइम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ये देख लीजिए, क्योंकि नहीं करेगी तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड, सॉरी वेलोसिटी जो है वो टाइम पर, अच्छा यहां जो एफ लिखा है ना, एफ का मतलब होता है फंक्शन, टाइम का फंक्शन नहीं होनी चाहिए, तो यहां वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन होनी चाहिए। देख लीजिए अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगी तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आएगा, थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये मेरा अनस्टडी फ्लो हो गया, ये हमारा स्टडी फ्लो हो गया, ठीक है। अभी मैंने दो तीन बातें यहां पर आपको बताई डेरिवेशन करके, सॉरी डिफरेंशिएशन करके, हालांकि उस डिफरेंशिएशन को मैं फिर से एक बार बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे भाई स्टडी और अनस्टडी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। तो वेलोसिटी विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन सेक्शन इक्वल टू स्टडी फ्लो, और वेलोसिटी विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट गिवन सेक्शन डिफरेंट अनस्टडी फ्लो, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें छोटा सा डाउट है बच्चों को, कई लोग कहते हैं कि सर यहां वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी के अलावा यहां लिखा जाता है फ्लूइड प्रॉपर्टी, बात सही है। देखिए भाई वेलोसिटी से, जैसे कि मैंने शुरुआत में देखी यहां वेलोसिटी से आपको समझाया, तो वेलोसिटी से समझाना बच्चों के लिए ज्यादा आसान होता है, वेलोसिटी से समझाने के लिए किसी टीचर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती, बहुत ही आराम से वो वेलोसिटी समझा सकता है। लेकिन बसरते यहां वेलोसिटी नहीं, इसकी जगह पे जो लिखा वर्ड रहता है वो रहता है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी, यानी फ्लूइड प्रॉपर्टी ही सेम हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हारा स्टडी। उसी तरह से यहां भी जो वर्ड लिखा रहेगा वेलोसिटी की जगह पे वो फ्लूइड प्रॉपर्टी, यानी ये जो वर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखा बाद में ये एकदम करेक्ट बात है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब फ्लूइड की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाती विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सारी प्रॉपर्टी लगभग कॉन्स्टेंट हो ही जाती है, इसलिए हम लोग वेलोसिटी को छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन सही वर्ड प्रॉपर्टी होता है। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले स्टडी फ्लो के और ऑप्शन में वेलोसिटी भी रहे सेम करने के लिए, प्रॉपर्टी भी रहे सेम करने के लिए, तो आप पहले प्रॉपर्टी को टिक कीजिएगा, प्रॉपर्टी लिखा हुआ। हां प्रॉपर्टी ना हुआ तो फिर आप वेलोसिटी को टिक कर सकते हो। बोलिए भाई बात सबको समझ में आ रही ना, तो मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, समझाने का पूरा प्रयास किया कि स्टडी और अनस्टडी कैसे पहचानोगे, कि वेलोसिटी कह सकते हो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी, वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम अनस्टडी। लेकिन इसके लिए एक ही जगह पे रहना है, जगह आपको चेंज नहीं करनी, स्पेस या सेक्शन आपको सेम रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी बनाने की कोशिश की है। अब ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और फिर देखिएगा आपको शायद और अच्छा लगे इस चीज को पढ़कर, तो आपको बढ़िया लगेगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, कहीं पर लिखा हुआ है वेलोसिटी v बराबर 3h स्क्वायर माइनस 4yt, कहीं पर लिखा हुआ है वेलोसिटी बराबर 3h स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कहीं पर लिखा हुआ है वेलोसिटी h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कहीं पर लिखा हुआ है वेलोसिटी t स्क्वायर माइनस 2t, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर लिख सकते हैं वेलोसिटी के, अभी आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि बता सकते हो इन चारों में से कौन सा फ्लो तुम्हारा स्टडी फ्लो की कैटेगरी में आएगा, कौन सा फ्लो तुम्हारा अनस्टडी फ्लो की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे सर? पहला वाला वेलोसिटी का मान देखिए, उस पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, टाइम पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चेंज हो रही वेलोसिटी, डिफरेंट हो रही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिफरेंट हो रही और तो आपका अनस्टडी फ्लो हो रहा अनस्टडी फ्लो। और या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्राया जाएगा डिफरेंशिएशन तो सर वो जीरो नहीं आएगा, तो जीरो नहीं आएगा तो अनस्टडी है, जीरो आता तो स्टडी है, लेकिन बार बार डिफरेंशिएशन कराने जरूरत नहीं है मेरे भाई, टाइम पर डिपेंड कर रहा है यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो कन्फर्म मेरा ये आपका अनस्टडी फ्लो होगा। टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड एक्स वाई जेड पर डिपेंड करे उससे मतलब नहीं है, वो यूनिफॉर्म में देखा जाता है एक्स वाई जेड, लेकिन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज
नहीं होगी तो इसका मतलब ये तुम्हारा स्टडी फ्लो होगा। सर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब ये स्टडी फ्लो होगा। सर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये अनस्टडी फ्लो होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि स्टडी और अनस्टडी आपके माइंड में बहुत बढ़िया तरीके से घुस जाए एकदम, है ना। हालांकि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग काइनेमेटिक्स की करेंगे तो ऐसा ही फंक्शन दिए रहते हैं सवाल में, और हमें बताना पड़ता है कि स्टडी है कि अनस्टडी है, तो देख के बताया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइप के फ्लो की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का फ्लो जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो फिर से मैं शुरुआत करता हूं समझाने की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की समझना भाई सब लोग कायदे के साथ। जैसे कि मान लीजिए मैंने फिर से यहां पर एक सेक्शन ले लिया, तो ये मेरा सेक्शन रहा, पाइप रहा, सॉरी सेक्शन कह रहा है, पाइप रहा। ठीक है, और इस पाइप की कोई ना कोई एक्सेस भी होगी, पाइप की मैंने एक्सेस बना दी। ठीक है, देखो जब मैंने स्टडी फ्लो की बात की थी तो एक ही सेक्शन लिया था लेकिन अलग अलग समय में वेलोसिटी देखी थी। यूनिफॉर्म फ्लो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि कई सेक्शन लेने पड़ते हैं, तो ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन और ये चौथा सेक्शन। तो मैंने चार सेक्शन ले रखे हैं। तो हर सेक्शन पे जो फ्लूड पार्टिकल रहेगा एक निश्चित समय में वो अलग अलग रहेगा। तो मान लीजिए सेक्शन वन पे ये फ्लूड पार्टिकल है, सेक्शन टू पे ये फ्लूड पार्टिकल है, सेक्शन थ्री पे ये है। ये सारे फ्लूड पार्टिकल किसी एक इंस्टेंट पर है, किसी एक टाइम पर है। मान लीजिए टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, या टाइम टी इक्वल टू लेकिन सभी के लिए टाइम सेम, टाइम 10 सेकेंड पे, या तुमने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो फ्लूड पार्टिकल इसको यहां देखा, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, तो हर एक की वेलोसिटी मेजर कर लो। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 आई, इसकी वेलोसिटी v2 आई, इसकी वेलोसिटी v3 आई और इसकी वेलोसिटी v4 आई। ठीक है, अब बात मैं यूनिफॉर्म फ्लो की करता हूं कि यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो, तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए फॉर यूनिफॉर्म फ्लो तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए करना क्या होता है कि आपको पाइप के अलग अलग सेक्शन पर, पाइप के अलग अलग सेक्शन पर एक ही समय में सभी फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी होती है। पिछला वाला स्टडी में क्या था कि आपको सेक्शन एक रखना था लेकिन अलग अलग टाइम में देखना था, लेकिन यहां क्या करना है, सेक्शन अलग अलग कर देना है लेकिन एक ही टाइम में देखना है। वहां क्या था कि सेक्शन एक ही था, अलग अलग टाइम में था, लेकिन यहां पर सेक्शन अलग अलग है, एक ही टाइम पर, एक निश्चित समय पर है ना। तो वहां कह सकते हो कि सर सेक्शन कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, यहां टाइम कांस्टेंट है, सबके लिए टाइम बराबर है एटी समय पे, लेकिन जो सेक्शन है या स्पेस है वो हमारा बदलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू v4 सेम होने चाहिए, लेकिन बट ये हमारा कह सकते हो कि जो देखा जाएगा वो विद रिस्पेक्ट टू देखा जाएगा स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन, और यहां लिख सकते हो एट कॉन्स्टेंट टाइम, मतलब एक निश्चित समय में ही देखना है आपको। ठीक है, तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तो मेरा यूनिफॉर्म फ्लो है। और बात यदि मैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की करता हूं, बताइए जरा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की क्या कंडीशन होगी, तो लिखा जा सकता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो वेलोसिटी आपने बताई v1 v2 v3 v4 वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए। परंतु ये जो देखना है, ये कैसे देखना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस यानी जगह के सापेक्ष देखना है, जगह चेंज होगी, और आगे लिखा जाएगा एट कॉन्स्टेंट टाइम, मतलब इसके लिए जो टाइम होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट। क्लियर है, तो ये मेरा यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो यहां स्पेस का जो मतलब है, स्पेस का ये जो मतलब है, ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट से है, स्पेस का जो मतलब है वो एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में किसी में भी चेंज हो सकता है, तो यहां स्पेस का जो मतलब है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से है। ठीक,
तो आपको आई होप कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और वहां जो स्टडी और अनस्टडी था उनमें अंतर समझ में आया होगा, है ना। चलिए फिर इस बात को मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी थोड़ा सा लिखना चाहूंगा ताकि आपको बातें क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए जरा, जैसे कि यहां डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई, यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन है फ्लूड वेलोसिटी विल बी सेम, फ्लूड वेलोसिटी विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस यानी स्पेस अब चेंज होगा और एट गिवन टाइम, गिवन टाइम का मतलब एट कॉन्स्टेंट टाइम, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और स्पेस का मतलब होता है भैया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, और एट कॉन्स्टेंट टाइम मतलब एक निश्चित समय में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर यहां की बात करते हैं कि सर यहां क्या होना चाहिए, सर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी आपका जो है नहीं चाहिए वो कॉन्स्टेंट नहीं होनी चाहिए, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ध्यान रखना इस बात को, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है। और आगे लिखा होगा एट स्पेस का मतलब ऐसे मतलब बता दिया है एक्स वाई जेड, और कहा जाएगा एट कॉन्स्टेंट टाइम, एट कॉन्स्टेंट टाइम, बोली भाई बात सबको समझ में आ रही ना। अच्छा सर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और यहां स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड से है, लेकिन यहां डिफरेंशिएशन करने के दौरान टाइम कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो ये कॉन्स्टेंट है तो इसका जो अवकलन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो ये जो कंडीशन निकल के आई, ये कंडीशन मैथमेटिकल कंडीशन होती है फॉर यूनिफॉर्म फ्लो की, कि वी का डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जीरो होना चाहिए, है ना। अच्छा और यहां की बात कर लेते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से, कि वी का डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन निकालना है वो टाइम को कॉन्स्टेंट मान के ही निकालना है, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा अब इस बात को चेक कर कैसे करते हैं, तो उसको भी समझ लीजिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस मतलब एक्स वाई जेड। चलिए देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं कह दूं कि कहीं पर वेलोसिटी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो स्पेस मतलब मैंने बताया था एक्स वाई जेड, तो बात बताओ अगर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्राया जाए तो जीरो नहीं आएगा, श्योर है एकदम, क्यों नहीं आएगा, एक्स आप इस ट्राया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, देखो कितना डिफरेंशिएशन ट्रा भी लेते हैं चाहे टू एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आगे हो जाएगा टू आई प्लस टू आई, है ना, टोटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर ये डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, नहीं है, तो जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्पेस जीरो नहीं है तो ये जो मेरा फ्लो होगा, ये जो फ्लो होगा सर, ये फ्लो मेरा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, वही समझी, यानी स्पेस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आ सकता। हाँ अगर कुछ ऐसा लिखा होता, v बराबर लिखा होता थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी, ऐसा अब कहा दो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तब भी जीरो आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कहा दो तब भी जीरो आएगा, मतलब इनमें से कोई एक जीरो ना होता तब वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता ना, सभी जीरो हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड स्पेस ही होते। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी कभी वेलोसिटी एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा तो वो फिर हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा तो एक्स वाई के साथ वो चेंज होगा, चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, और जब भी तभी वेलोसिटी एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो उसके बदलने से वो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब फिर ये फ्लो हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। इस बात को मैं वहां लिखूंगा अभी एक बार, कहां चला गया, बहुत पीछे चला गया, सॉरी। हाँ तो देखिए, तो यहां पर कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है उसका स्पेस के सापेक्ष अवकलन जीरो है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो स्पेस का फंक्शन, स्पेस का फंक्शन, अब आप सोचो स्पेस का फंक्शन वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, तो आप कह सकते होगी तो फिर डेफिनेशन जीरो कहां से आ सकता है, तो कहोगे नहीं होगी,
तो वेलोसिटी स्पेस का फंक्शन नहीं होगी इस कंडीशन के लिए। और इसके लिए अगर पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी स्पेस का फंक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं कि स्पेस का फंक्शन होगी जब स्पेस का फंक्शन एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा डिफरेंशिएशन करते समय टाइम को कॉन्स्टेंट लेना इस बार, लेकिन ध्यान रखना अगर स्टडी और अनस्टडी देखा जाए तो स्पेस को कॉन्स्टेंट लेना है, औकलन आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कराना है, ठीक है। अच्छा, एक फाइनल और लास्ट बात फिर से सुनिए, मैंने फिर से यहां एक बात नोटिस करा दूं कि वेलोसिटी से समझाना तो आपको आसान पड़ता है, लेकिन सचमुच में वेलोसिटी नहीं होता सही मुच में। यहां क्या होता है, फ्लूड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब वही डेंसिटी, आपका वॉल्यूम, ये सब फ्लूड प्रॉपर्टी में आ जाएगा ना। तो आपका वेलोसिटी और प्रॉपर्टी जब मिले तो आपको प्रेफरेंस जो देनी है वो प्रॉपर्टी को देनी है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलता तो फिर आप वेलोसिटी को आला आंसर टिक कर सकते हो, वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना इस बात को। तो काफी कुछ हो गया है, तो मैं एक बार बहुत हल्के वे में आपको यूनि स्टडी और अनस्टडी के बारे में फिर से एक बार बता दूं कि सर जब भी कभी स्टडी चेक करना, सुन लीजिए, लिखना नहीं है, क्योंकि हो चुका है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए ना, प्योर समझ में आ जाना। स्टडी के लिए, स्टडी के लिए आपको एक ही जगह पे रहना है, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी देखनी है, सेम हो जाए तो स्टडी, सेम ना हो तो अनस्टडी। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करना है कि अलग अलग चार पांच जगह ले लेना और एक ही समय में वेलोसिटी देखना, समय एक ही होना चाहिए, तो वो सेम हो जाए तो यूनिफॉर्म, सेम ना हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टडी के लिए हमेशा टाइम के साथ पे डिफरेंशिएशन कराते हैं, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग स्पेस के साथ पे डिफरेंशिएशन कराते हैं, ठीक है। चलिए फिर, अब इस बात को अगर समझ में आ गया हो तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ फंक्शन लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी का फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू टी, दूसरा वेलोसिटी का फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा वेलोसिटी का फंक्शन लिखा हुआ है आपका थ्री टी स्क्वायर, बस इतना ही, चौथा वेलोसिटी का फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर टी, ये लिखा हुआ। तो मुझे ये बताना है कि जो वेलोसिटी के सर आपने फंक्शन लिख दिखाए हैं, मुझे ये बता दो कि ये फंक्शन तुम्हारा स्टडी है कि अनस्टडी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बस यही बताना है। अगर ये आप बताना सीख गए तो फिर वेरी गुड, आप तो आगे चल के फ्लूड काइनेमेटिक्स में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ये फंक्शन बताना आप सीख गए, बिलीव मानिए। तो एक बात बताइए, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, करेगी तो चेंज होगी, तो ये कंफर्म अनस्टडी होगा, टोटल टाइम है। एक्स वाई भी तो है, तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है तो चेंज जरूर हो रही है एक्स वाई के सापेक्ष, तो इसका मतलब सर ये नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, सर ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो स्टडी होगा। और एक्स वाई पर डिपेंड कर रही है तो एक्स वाई के सापेक्ष चेंज होगी, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगला देखिए, सर ये तो केवल टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब अनस्टडी होगा। और देख लीजिए कहीं पर भी स्पेस एक्स वाई जेड नहीं है, यानी एक्स वाई जेड स्पेस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो कह सकते हो कि ये हमारा यूनिफॉर्म होगा। सर ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये मेरा अनस्टडी होगा, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रही है और एक्स वाई जेड पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब सर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मेरे भाई किसी भी फंक्शन को देखकर आपको पता अंदाजा लगाना आना चाहिए कि ये कैसा हो रहा है। हालांकि जब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब देखेंगे तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए कि स्टडी है कि अनस्टडी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। फिर अब इस बात को और कायदे के साथ समझाने के लिए मेरे पास एक और आपके पास डायग्राम है मेरे पास, तो उस डायग्राम को भी अगर आपने समझ लिया तो फिर चीजें आपकी और क्लियर हो जाएगी। क्या है वो चीज जरा समझिएगा। जैसे कि देखिए मैंने यहां पर चार कंटेनर है, हर कंटेनर को मैं लिक्विड से फिल कर देता हूं, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पहले वाले कंटेनर में ये रहा लिक्विड की फ्री सर्फेस, इसी तरह से इस कंटेनर में भी लिक्विड की फ्री सर्फेस ये रही, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मेरा बस टारगेट बस ये रहेगा कि आपको इतना सब कुछ मिल जाए कि एक भी क्वेश्चन आपका यहां से वहां नहीं होना चाहिए, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा।
ये कह सकते हो कि ये रहा लिक्विड का सब फ्री सरफेस इसमें, और ये रही लिक्विड की फ्री सरफेस इसमें। मैंने क्या किया है कि हर लिक्विड की फ्री सरफेस को बना दिया, उसके साथ साथ मैं कुछ और काम भी कर देता हूं, यहां पर पाइप बना देते हैं। तो यहां पर जो मैंने पाइप बनाया, ये पाइप, ये यूनिफॉर्म डायमीटर का बनाया, यहां पर भी पाइप मैंने यूनिफॉर्म डायमीटर का बनाया, बट यहां पर जो मैंने पाइप बनाया है वो कन्वर्जेंट पाइप बनाया, कुछ ऐसे कन्वर्जेंट ऐसे, ठीक है। और यहां पर भी मैंने कन्वर्जेंट पाइप बनाया कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए अब बात कुछ समझने का प्रयास करना, वाटर के हेड की बात कर लेते हैं। तो कुछ वाटर का हेड, जैसे कि यहां पर मैंने वाटर का हेड, ये वाटर का हेड, इस वाटर के हेड को एच कह दिया, उसी तरह से यहां पर भी वाटर के हेड को मैंने अपनी तरफ से एच कह दिया, और यहां पर भी मैंने वाटर के हेड को एच कह दिया। वाटर का हेड जब हम लोग छोटे पाइप के लिए देखते हैं तो सेंटर से ऊंचाई ले लेते हैं ना, और यहां पर भी मैंने वाटर का हेड को एच कह दिया। चलिए इतनी मैंने आपको डायग्राम बनाते दिखा दिया, अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं। देखिए पहले वाला डायग्राम और दूसरा वाला डायग्राम आपको अभी तो सेम नजर आ रहा होगा, पहला वाला डायग्राम ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकेंड डायग्राम है और ये तुम्हारा थर्ड हो गया और कह सकते हो कि ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। तो आप सब लोगों को पहला वाला और सेकेंड वाला डायग्राम सेम नजर आ रहा हो, लेकिन मैं इसमें एक बदलाव करने जा रहा हूं। बदलाव यह है कि पहले वाले डायग्राम में जो हेड है, इस हेड को मैं कांस्टेंट बोलूंगा, ये हेड कांस्टेंट, और दूसरे वाले डायग्राम में कह दूंगा कि ये जो हेड है वो वैरी कर रहा है, वो वैरी कर रहा है, बदल रहा है। अच्छा ये हेड कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ये हेड कांस्टेंट तब हो सकता है जब जितना पानी इस पाइपलाइन से बाहर जा रहा हो उतना ही पानी कह सकते हो कि अंदर आ भी रहा हो। बोली भाई बात सबको समझ आ रही ना, तभी तो हेड कांस्टेंट होगा, थोड़ा सोचिए इस बात को, है ना। लेकिन यहां हेड कांस्टेंट नहीं है, यहां हेड लगातार घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे हेड लगातार घटेगा, ठीक है। आगे आइए, तीसरा और चौथा डायग्राम भी आपको सेम लग रहा होगा, तो मैं यहां पर भी हेड को कांस्टेंट कह देता हूं। तो यहां पर हेड तभी कांस्टेंट हो पाएगा जब जितना पानी बाहर निकल रहा है उतना ही पानी कह सकते हो पाइपलाइन के अंदर, टैंक के अंदर आ भी रहा हो, तभी कह सकते हो हेड कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उतना ही पानी पाइपलाइन के अंदर गिर रहा है, ये ध्यान रखना, ये गिर रहा है ना। सर यहां पर जो हेड है, इस हेड को मैंने कह दिया कि सर ये जो हेड है ये बदल रहा है, तो मैंने आपके लिए ये चार डायग्राम बना दिए, वेरी करने वाला है। तो मुझे ये बताना है कि इन चारों डायग्रामों में से कौन सा डायग्राम स्टडी फ्लो को शो करता है, कौन सा अनस्टडी को, कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन चारों बातों में से कभी भी दो बात एक साथ नहीं आ सकती, जैसे कि स्टडी और अनस्टडी कभी एक साथ नहीं आ सकता, है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक साथ नहीं आ सकता। हाँ किसी एक डायग्राम के लिए स्टडी और अनस्टडी में से कोई एक चीज आएगी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में से कोई एक चीज आएगी। तो जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, बता सकते हैं कि ये डायग्राम स्टडी फ्लो के लिए है कि अनस्टडी फ्लो के लिए है, और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है। मतलब इस डायग्राम के बारे में आपको दो बातें बतानी है कि स्टडी है कि अनस्टडी है और यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलिए फिर बात को समझिए, पहले स्टडी देखते हैं। स्टडी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक ही जगह लेनी पड़ती है, जगह एक ही होनी चाहिए स्टडी के लिए। अब एक बात बताओ, हेड कॉन्स्टेंट है, हेड तो बदल नहीं रहा। आप सबको पता होगा कि जब भी कभी हेड दिया जाए तो पाइपलाइन से निकलने वाली वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 2gh। बोले भाई ये बात सबको पता है ना। हाँ अच्छा ठीक है, हेड कांस्टेंट है, तो हेड कांस्टेंट है तो मान लीजिए मैंने एक सेक्शन लिया, तो ये h कभी बदले तो है नहीं, तो मैंने एक सेक्शन लिया तो इस सेक्शन से निकलने वाला जो फ्लूड पार्टिकल होगा, चाहे वो पहला फ्लूड पार्टिकल हो उसके लिए भी हेड h ही रहेगा, दूसरा हो उसके लिए भी हेड एच रहेगा, तीसरा हो उसके लिए भी हेड एच रहेगा, क्योंकि हेड को मैंने कांस्टेंट बोला है। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी वही सेम अंडर रूट 2gh रहेगी, तो हर फ्लूड पार्टिकल के लिए हेड सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, एटी सेक्शन के लिए ना। तो इसका मतलब ये पहला वाला डायग्राम कन्फर्म मेरा स्टडी फ्लो हो गया, क्लियर है एकदम। सर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म ये चेक कर लो, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चेक करने के लिए मुझे अलग अलग जगह लेनी पड़ती है। तो
पहली जगह तो है, एक दूसरी जगह और ले लीजिए। पहली जगह थी मेरे पास, एक दूसरी जगह मैंने और ले ली, तो दोनों जगह पे देख लीजिए, दोनों जगह पे देख लीजिए। तो एक बात बताओ जरा, ये पाइप यूनिफॉर्म डायमीटर का है ना, अगर पाइप ऐसा होता तो दोनों जगह पर जो वेलोसिटी का मान होता वो सेम ना होता, एक वी वन होता तो दूसरा वी टू होता। क्योंकि आप सबको पता है कि किसी पाइपलाइन में जब एरिया घट जाता है तो उस पाइपलाइन पे वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, ये बात सबको पता होगी इक्वेशन कॉन्ट्रिटी इक्वेशन से। तो एरिया एक समान ना होता तभी तो वेलोसिटी में अंतर आता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर पूरे पाइपलाइन का एरिया एक समान है, तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी सेम होगी। तो इसका मतलब ये स्टडी के साथ साथ कौन सा फ्लो हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला डायग्राम हो गया वो मेरा स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। ठीक है, इस पहले वाले डायग्राम को एग्जाम में डायग्राम बना के तो नहीं दिया जाता आपको, ये बात सही है, लेकिन इस पहले वाले डायग्राम को एक लैंग्वेज में लिखा जरूर जा सकता है। इस पहले वाले डायग्राम को जिसमें मैंने आपको समझाया कि स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, इस पहले वाले डायग्राम को लिखा जाता है, ध्यान देना भाई सब लोग, कि सर फ्लो रेट, फ्लो रेट थोड़ा और इधर से लिख देते हैं, फ्लो रेट, फ्लो रेट कॉन्स्टेंट है, फ्लो रेट कॉन्स्टेंट है, और जो पाइप डायमीटर है, पाइप, पाइप का डायमीटर वो भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, जब भी कभी तुम्हारा फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होगा, फ्लो रेट मतलब वही डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज जो कॉन्स्टेंट है क्योंकि एच हमारा कॉन्स्टेंट है, तो फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होगा तो मेरा स्टडी फ्लो होगा, और पाइप यूनिफॉर्म डायमीटर का होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो आप कह सकते हो कि स्टडी फ्लो चेक करना हो तो फ्लो रेट देख लेना, वो कॉन्स्टेंट है कि बदल रहा है। यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप हेड नहीं है, यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप हो तो यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब इधर आ जाइए वाले डायग्राम में। तो वाले डायग्राम में मैंने कहा कि ये जो एच है वो बदल रहा है, तो एच बदल रहा है तो बताइए अगर मैं कोई एक सेक्शन ले लू, कोई एक सेक्शन ले लू, तो इस सेक्शन से निकलने वाला जो पहला फ्लूइड पार्टिकल होगा वो वेलोसिटी देगा अंडर रूट टू जी एच, दूसरा फ्लूइड पार्टिकल होगा वो वेलोसिटी देगा अंडर रूट टू जी थोड़ा कम एच, तीसरा होगा अंडर रूट टू जी उससे भी कम एच, क्योंकि एच तो लगातार घट रहा है। तो बताइए एक ही सेक्शन पर क्या सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो सकती है, क्या कहोगे नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर एच तो लगातार घट रहा है ना, एच लगातार घट रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा अनस्टडी फ्लो होगा। लेकिन पाइप तो एक समान डायमीटर का है, पाइप तो एक समान डायमीटर का है, पहले एच 10 मीटर था फिर एच 5 मीटर हो गया, तो 5 मीटर में हर सेक्शन पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो अंडर रूट टू जी 5 होगी, सेम तो रहेगी ना। पहले जब 10 मीटर हेड था तो हर सेक्शन पे, चाहे जितने सेक्शन बना लेते, हर सेक्शन पे वेलोसिटी रहती अंडर रूट टू जी 10, जब 5 मीटर हेड हो गया तो अंडर रूट टू जी 5, वेलोसिटी सेम तो है, भले ही कम ज्यादा है लेकिन हर सेक्शन की वेलोसिटी सेम तो है ना उस निश्चित समय में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पाइप एक समान एरिया का है तो हेड एच 10 मीटर हो चाहे 5 मीटर हो चाहे 2 मीटर हो, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ये हमारा कह सकते हो कि यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, तो ये डायग्राम मेरा यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। तो इन शॉर्ट ये मैं कह सकता हूं कि एच बताएगा स्टडी है कि अनस्टडी है, और पाइप बताएगा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, उसी तरह से अलग डायग्राम में आई। तो ये अलग डायग्राम में आप देखिए एच कॉन्स्टेंट है, मैं जल्दी थोड़ा स्पीड पर उठा, एच कॉन्स्टेंट है तो सर ये स्टडी हो रहा कन्फर्म, पाइप यूनिफॉर्म डायमीटर का नहीं है, देख लीजिए हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब बात यदि इस पॉइंट की करते हैं कि एच सर बदल रहा है, तो एच बदल रहा है तो आप कह सकते हैं कि एच बदल रहा है तो ये मेरा अनस्टडी हो रही है, क्योंकि एच बदल रहा है, और पाइप भी देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, तो पाइप भी नॉन यूनिफॉर्म एरिया का है, तो फ्लो मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो आप लोग आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस चार डायग्राम की मदद से कि कैसे पता करेंगे कि स्टडी है कि अनस्टडी है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये डायग्राम बनाए हुए नहीं मिलते, आपको पता रहता है फ्लो रेट, देखो वही चीज है कि फ्लो रेट आपको मैं एक बार ये नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर मैं एक बार और आपको बता दूं कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टडी और अनस्टडी, और अनस्टडी ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको फ्लो रेट। ये कौन बताएगा? फ्लो रेट। अगर फ्लो रेट कांस्टेंट है तो स्टडी बता देना, फ्लो रेट बदल रहा हो तो अनस्टडी बता देना। और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको पाइप। अगर पाइप एक समान डायमीटर का है तो यूनिफॉर्म बता देना, और पाइप एक समान डायमीटर का नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म बता देना, है ना। तो आप कह सकते हो कि स्टडी और अनस्टडी के बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी वो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो वो डिटेल आपके काफी ज्यादा काम में आएगी, ये श्योर है एकदम, ठीक है। हालांकि अभी और भी बहुत सारे फ्लो है तो धीरे धीरे हम लोग उनको भी खत्म करें।